नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गणपत चौधरी। आप देख रहे हैं डी आई एग्रो। मेरा अपन चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ। और आज बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जी के बारे में, क्योंकि अभी जो सर्दियों का सीजन चल रहा है और हम लोगों ने यहाँ पे अपने अभी देखी मैं खेत पे हूँ, तो सोचा आप लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे फसल जो है सब्जियाँ वगैरह कुछ लगा रखी, तो अभी थोड़ी बहुत जो हमारी घर की जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए सब्जियाँ लगा रखी, तो वो आपको दिखाता हूँ क्या क्या हम लोगों ने लगाया है। बेसिकली अगर हम बात करें सब्जियों की, तो उसमें जो है बारिश की ऋतु में अलग सब्जियाँ होती है और सर्दी की जो सीज़न है उसके अंदर भी अलग सब्जियाँ होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और बारिश के अंदर जैसे कि ककड़ी हो गई, ये वाला भिंडी वगैरह हो गया, तो ये सीन रहता है। और अभी जो हम लोगों ने प्याज लगा रखा है, लहसुन है, मूली है, गाजर है, बीटरूट, तो सारे के सारे सब्जियाँ हम लोगों ने यहाँ पे खेत पे लगा रखी है, मेरे पीछे यहीं पे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी हम लोगों ने यहाँ पे सब्जियाँ लगा रखी है उसकी सारी जानकारी देता हूँ। और देखकर इस वीडियो को, आइए आपको वाला वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिए। आपका भाई का चैनल है, इसी प्रकार से अगर आपको रोज़ नए नए व्लॉग देखने हैं तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सब्जी यहाँ पे खेत पे लगा रखी है। ये हैं गाइस यहाँ पे सब्जियाँ, तो इसके चारों तरफ हम लोगों ने तार लगा रखे हैं। बेसिकली देखिए आपको वायर दिखाई देंगे जो कि ये हैं, इसके अंदर जानवर कुत्ता हैं, कोई भी और भी जानवर हैं जो कि नीलगाय वगैरह जो हैं, बैल वगैरह आ जाते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने लगा रखे। मोर वगैरह भी यहाँ भी काफ़ी हैं, तो उसके मोर भी जो हैं प्याज को वगैरह नुकसान पहुँचाते। सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये यहाँ पे हम लोग की एक क्यारी धनिया लगा रखी है, आपको दिखाई देता हूँ ये सारे धनिया की है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर मेथी लगा रखी है दूसरे वाले में, पहले वाला धनिया का हो गया, उसके बाद में यहाँ पे मेथी हो गई। और ये तीसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये पे प्याज का जो रोप आता है, सीधा प्याज छः बीज इसमें डाल दिए हम लोगों ने, और यहाँ से प्याज की जो होती है गुठली वो बनेगी, सीधा प्याज बनेगा, तो वो एक कैरी उसके बना रखी है। और अगर हम यहाँ से इसके पानी का सिस्टम वहाँ से आता है और यहाँ से होते हुए और इसके अंदर चला चला जाता है। और अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके बाद में ये है मूली का, जो कि एक क्यारी यहाँ पर मूली की लगा रखी है। और उसके बाद में जो यहाँ पर देखिए चारों तरफ क्यारी की जो मेड़ है उसके ऊपर हम लोगों ने लहसुन लगा रखा है, पूरा का पूरा जहाँ पे भी सार के क्यारी है वहाँ पे चारों तरफ लहसुन लगा रखा है। और कुछ कुछ जगह पे मूली भी लगा रखी है। और ये फिर से हो गया मूली का, बेसिकली यहाँ पे दो मूली की हैं, एक ये और एक ये, दो मूली का हो गया। ये है हमारा बोरवेल जिसके के अंदर अभी वो मोटर चल रही है, और फुहारे जो आपने अभी दिखाए वो इसी के अंदर से चल रहा है, उसके अंदर पानी जा रहा है जो कि नहर से आ रहा है एयर फ्लो के अपने आप ही, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा, अगर आपको देखना हो तो अपने चैनल पर मिल जाएगा। ये देखिए ये आगे प्याज, जो कि हम लोगों ने प्याज को जो आता है उसको रोपाई करके और इसमें लगा ताकि जो हरा प्याज हम लोगों को मिल सके। उसके बाद में ये है क्या रुपये मूली लगा रखी है यहाँ पे दोनों तरफ, और दो हो गए अपने प्याज के। और इसमें ये देखिए ये जो दो हैं उसमें हो गया लहसुन लगा रखा है, जो कि क्यारी के चारों तरफ भी लहसुन है और कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना के और इसमें लहसुन लगाया ताकि जो लहसुन की जो नीचे कलियाँ आए वो बड़ी बड़ी आए, जिसको कि इसी के लिए लगा रखा। इसमें हम लोग इंटरक्रॉप फसल भी लगा सकते थे अगर हम लगाना चाहें तो, इसके जो बीच में जगह बची है इसमें हम लोग हल्दी लगा सकते थे, अदरक लगा सकते थे और गाजर भी लगा सकते थे, बीट लगा सकते थे। इंटरक्रॉप जो फसल होती है वो हम लोग यहाँ पर कर सकते थे, बट हमारे पास जगह थी तो इसी के लिए हम लोगों ने केवल लहसुन लगा के और इसको छोड़ दिया। ये जो आप यहाँ पे देख रही हो फिर से मूली का आ गया। बेसिकली बहुत ही अधिक मात्रा में हम लोग मूली वगैरह खाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए मूली की भरमार है यहाँ पे। फिर से चारों तरफ लहसुन हो गया। और इसके बाद में देखिए ये जो क्यारी आप देख रहे हैं इसमें हम लोगों ने बीट लगाया था, जो कि बीट रूट है। तो बेसिकली सीन क्या हुआ, जब भी हम लोगों ने उसका बीट का जो बीज आता है उसको लेके आया इसमें लगाया था, बट किसी कारणवश वो वाला उपजाऊ नहीं था, अंकुरित नहीं हो पाया, तो ये वाला खाली रह गया था। बेसिकली बीट जो उगा नहीं यहाँ पे, तो फिर से लगाया यहाँ पे बीट और गाजर लगाया। अभी दो दिन हुए लगाने के और तीन चार दिन बाद इसके अंदर से भी जो बीट टूटा वो निकल जाएंगे, तो ये ऐसे कैसे खाली पड़ा, इसके अंदर खरपतवार बहुत ज़्यादा उग गई है। ये फिर से लहसुन का आ गया, लहसुन भी हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगाया क्योंकि पूरे साल भर जो लहसुन की ज़रूरत पड़ती रहती है हम लोगों को, तो ये है लहसुन हो गया। और भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इस वाला जो सोलर लगा रखी उसके अंदर है शकरकंद, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद वहाँ पे जो ये देखिए वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ कपड़ा लगाया, उसके अंदर मिर्च की फसल लगी हुई, अभी काफ़ी सारे मिर्च लग रखे हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये हम लोगों का पंखा है
जो कि पहले टाइम में जब भी इंजन लगा के हम लोग यूज करते थे तो इसका यूज किया जाता था, लेकिन अब तो ऐसे ही पड़ा है। सोलर प्लेट और मोटर वगैरह आ गई तो ये बेकार में पड़ा है। ये है अपना आम का पेड़, ये हो गया अपना नींबू का पेड़, ये है शकरकंद। बेसिकली बाहर की तरफ हम लोगों ने अंदर की तरफ लगाया था, लेकिन ये वाला इतनी ग्रोथ ज़्यादा है कि सारा का सारा मामला बाहर निकल गया है। और इसके अंदर आलू भी लगा रखे हैं, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये है शकरकंद, इसको लगाए हुए काफ़ी 3-4 महीने हो गए, इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बाहर निकल के और बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसके अंदर शकरकंद कुछ कुछ लगना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो मैं आपको अभी यहाँ पे कहीं भी दिखा देता हूँ, अगर हुए तो। ये देखिए ये वाले जड़े हैं जो अभी शकरकंद इसके अंदर बन रहे हैं, अभी बने नहीं है, तो इसकी वजह से ये अभी थोड़ा सा और भी टाइम है, महीने भर का, उसके बाद में शकरकंद आएंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आलू लगा रखे हैं हम लोगों ने, जो पोटैटो होते हैं, ये है स्वीट पोटैटो इसको बोल सकते हैं, ये है पोटैटो आलू, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने इंटरक्रॉपिंग फसल की जो आइडिया है उसको यूज किया हुआ है। बेसिकली ये ऊपर की तरफ हम लोगों ने आलू लगाए, लेकिन जो बीच में यहाँ पे जगह बच रही है इसके अंदर भी बीट रूट लगाए थे, लेकिन वो भी मैंने आपको पहले बताया तो उसमें कुछ बीज में प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर से हम लोगों ने इसमें गाजर और आधे में बीट लगाए। जब भी उगेंगे तो आपको एक और मैं अपडेट वीडियो डाल दूंगा, इसके अंदर गाजर और बीट लगाई है, जो कि अभी 2 दिन हुए, 4-5 दिन के अंदर वो भी हो जाएगा, तो मैं आपको उसको दिखा दूंगा। ये फिर से आ गया लहसुन, तो ये है सिस्टम। और मैं आपको अभी मिर्च बाकी रहा वो भी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये हम की खटली हैं, चारपाई बोल सकते हो आप उसको, वहाँ पे मोटर भी लगा रखी है हम लोगों ने, ये उसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्विच है, अभी लाइट नहीं है उसकी वजह से बंद पड़ी है। तो भाई ये देखिए इसके अंदर मिर्च है, और ये देखिए मैं आपको पहले बता रहा था पानी आ रहा है, तो वो वहाँ से पाइप लाइन डल रखी है, वहाँ पर नहर है, तो वहाँ से जहाँ यहाँ पे पाइप लाइन डाल रखी है, नहर जो है यहाँ से समतल से ऊंची है, तो वहाँ से सीधा पानी कुएं के अंदर आ रहा है। एक ये है और एक ये है, दूसरी 2 पाइप लाइन है, बेसिकली यहाँ पे 3 है, एक ये है, तो इसको अभी बंद कर रखा है बिकॉज ऑफ कुएं में पानी जो ज़्यादा हो जाता है तो ओवर फ्लो हो जाता है। एक का वो वहाँ से जा रहा है उस वाले बोर में जो कि मोटर पड़ी थी वहाँ पर जा रहा है। ये देखिए ये है मिर्च की फसल, काफ़ी बढ़िया आई है इस बार। ये देखिए लाल लाल हो रखे हैं, जो कि हम लोग इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब भी इसका यूज़ नहीं होता है तो थोड़ा टाइम के बाद में वाला लाल होना स्टार्ट हो जाता है। हरी हरी मिर्च है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी यहाँ पे मिर्च लग रखी है, काफ़ी सारी लाल मिर्च हैं ये हैं। और इसमें देखिए ये वाले रोग भी थोड़ा बहुत फंगस का अटैक हो गया है, तो ये देखिए पत्ती सिकुड़ना स्टार्ट हो गई है, तो अभी ये वाला ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, आगे से नेक्स्ट टाइम इसमें जो है कम ही आएंगे, बिकॉज अब इसमें देखिए फंगस लग गए जो कि पत्तियाँ सिकुड़ने चालू हो गई। इसके ऊपर दवाई का छिड़काव किया है बट उसका कोई इतना ज़्यादा असर है नहीं। ये देखिए ये वाला फ्रेश है, तो इसके अंदर बड़ी बड़ी मिर्चें यहाँ पे हैं, तो यही है ये 2 क्यारियाँ जो हैं हम लोगों की मिर्च की। यहाँ पे बैंगन लगा रखा है, जो कि अभी ये देखिए फ्लावर इसका भी आना स्टार्ट हो गया है, तो जब भी आएगा तब देखेंगे। ये है ये जो आप पाउच देख रहे हैं, ये है मिर्च के ऊपर स्प्रे करने के लिए, बेसिकली प्लांट प्रोटेक्शन है। इसके ऊपर 2-3 बार छिड़काव किया है, फिर भी फंगस का अटैक है जो कि हो गया है, तो ये नो, इसके लिए हम लोगों ने 2 बार इसके ऊपर स्प्रे किया है मिर्च के ऊपर, बट फिर भी आ गया, इतना ही वाला कारगर साबित नहीं हुआ। ये पता नहीं इसमें क्या आता है, प्लांट प्रोटेक्शन करके है ये। तो गए सारी के सारी सब्जियां जो है हम लोगों ने आपको दिखा दी हैं, इतनी सारी घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाली सब्जियां जो है काफ़ी हैं, जो कि सर्दियों के 2-3 महीने वाली बड़ी आसानी से चल जाएगी। और ये वाली सब्जियां जैसे जैसे ख़त्म होती रहेगी तो हम लोग उसमें नया लगाते रहेंगे, 3-4 महीना जो आसानी से निकल जाएगा। लहसुन वगैरह है उसको हम लोग जो है सूखा के घर पर रख लेंगे, प्याज वगैरह भी निकलेगा उससे वो घर पर जो यूज़ हो जाएगा, तो इस प्रकार से कुछ रोटेशन चलता रहता है। सारी की सारी सब्जी आपने देख ली,
तो गाइस अगर आपको वाला वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, आता है क्या डेफिनेटली आया होगा, तो इस वाला वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से नए नए रोज व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल हम लोगों ने एक वीडियो डाला था जो कि सरसों में पानी देने के क्या सीन रहता है और सरसों के बारे में पूरी जानकारी थी, उसमें उर्वरक वगैरह किस प्रकार से देते हैं उसकी सारी जानकारी हम लोगों ने वीडियो में दी थी। तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन मिल जाएगा या फिर वीडियो को एंड में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके वो वाला वीडियो डेफिनेटली देख लीजिएगा। उससे पहले एक हम लोगों ने एक और वीडियो डाला था जो कि हीरो स्प्लेंडर प्लस का है, रिव्यू है बेसिकली, हम लोगों ने नया खरीदा था स्कूटर तो इसके लिए उसका रिव्यू किया है, किस प्रकार से वो वाला हीरो का स्प्लेंडर प्लस BS6 में मिल जाता है उसका भी वीडियो हम लोगों ने डाल रखा है, तो वो वाला वीडियो भी आप जाके और चैनल पर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी नए अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।